तो अभी हम अपना वीडियो अलग शूट कर रहे हैं, उपेंद्र अलग शूट कर रहा है, सूरज अलग शूट कर रहा है, सब अपना अपना लगा हुआ है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी गाइस समय हो रहा है दोपहर का, 3 बज रहा है। तो सुबह से हमने कोई ब्लॉग वगैरह शूट उतना किया नहीं क्योंकि वैसा कोई खास एक्टिविटी रहा नहीं। तो अभी जस्ट गाइस मेरे को सूरज का फोन आया और बोला शुभम कहीं चलना है साथ में। तो अभी साथ में हम लोग वहीं जाने वाले हैं गाइस, शायद कोई एक्सपेरिमेंट वीडियो शूट करना है। तो अभी हम निकलते हैं वहीं पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा बादल घिरे हुए खतरनाक वाला, तो हो सके बारिश भी हो सकता है। तो उससे पहले गाइस हम चलते हैं, एक्सपेरिमेंट वीडियो शूट करके आते हैं ताकि बारिश वगैरह होने से पहले हम लोग सारा काम कर सकें। तो फाइनली अभी तो घर से निकल चुके हैं और रोशन भी आया हुआ था, तो वो भी बोला है साथ में जाएंगे, तो शायद वो पीछे से आएगा। तो पहले हम चलते हैं, ये गाइस हमारे घर तरफ का रास्ता है घर तक आने जाने के लिए। तो अभी शायद उतना बारिश हुआ नहीं जिस वजह से किचन नहीं हुआ, तो काफ़ी दिक्कत हो जाता है घर तक आने जाने। चलो सर। फाइनली गाइस अपने को सूरज मिल चुका है और ये साथ में टीवी लाया है, काफ़ी पुराना मॉडल है लेकिन चलता फिरता टीवी है। तो एक्सपेरिमेंट जो है इसी के साथ होने वाला है। अभी मौसम भी आप देख सकते हैं काफ़ी सुहाना हो चुका है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कोई ऊंची स्थान पे। तो अभी गाइस वहाँ पे जाने से पहले एक दोस्त को और हम लोग साथ में लेने का फैसला किए, तो अभी इसी को लेने जा रहे हैं। धूप भी काफ़ी तेज़ हो रहा है गाइस, अभी थोड़ा देर पहले पूरा मौसम ख़राब था, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश आएगा। अब ठीक है चलो, लेकिन रोड का हालत तो बहुत बुरा है। देखिए गाइस वो जो आपको पहाड़ दिख रहा है हमें वहीं जाना है। उपेंद्र तो इससे पहले उस जगह पे नहीं गया है, हाँ, और सूरज गया है सिर्फ, तो आज फिर से मौका मिला है। टीवी ले जाने का सिर्फ टेंशन है गाइस वहाँ तक, उसके बाद लाने का टेंशन नहीं। टीवी वहीं छोड़ के आने वाले हैं हम पहाड़ पे। चलो ना, कैसे पता चलेगा क्या, इतना कचरा यहाँ फेंका जाता है रोड के किनारे जैसे। गाइस हम लोग पहाड़ जाने वाले रास्ते में एंट्री कर चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से पहाड़ कितना खूबसूरत दिख रहा है, एकदम मस्त दिख रहा है। और क्या ही पता आपको, अगर आप सामने से देखते तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगता है। बड़ा ज़्यादा हो रहा है गाइस हम लोग को, क्योंकि टीवी पकड़ने में जो परेशानी हो रही है कैसे बताएं आपको। बस थोड़ा देर का और सफ़र है। तो फाइनली गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं पहाड़ के पास, आप देख सकते हैं इधर का लोकेशन काफ़ी प्यारा है और पीछे हमारा पहाड़ है। तो अभी हम अपना वीडियो अलग शूट कर रहे हैं, उपेंद्र अलग शूट कर रहा है, सूरज अलग शूट कर रहा है, सब अपना अपना लगा हुआ है। तो सबका अपना अपना यूट्यूब चैनल है गाइस, तो उसी में सबका अपना अपना एक वीडियो आता है। तो आज का भी वीडियो अलग अलग एंगल से आपको हर एक चैनल पर देखने को मिलेगा, यानी तीनों के चैनल में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी देखिए फिलहाल हम लोग टीवी को यहाँ रख दिए हैं, गाड़ी हमारा यहाँ खड़ा है और अभी हम लोग चलेंगे सीधा पहाड़ में टीवी को ले करके, फिर वहीं पे एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने वाला है। और उपेंद्र भी अपना वीडियो शूट कर लिया मस्त, और मौसम भी चेंज होने लगा है, लगता है बारिश आएगा, तो उससे पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट वीडियो शूट कर लेते हैं। बारिश भी आ गया गाइस भयंकर वाला, और अभी एक्सपेरिमेंट वीडियो को अभी थोड़ा डिले करते हैं, तो अभी चलते हैं वहाँ बचने के लिए। अभी गाइस आप देख सकते हैं बारिश होना शुरू हो गया, इसका डर था वही हुआ गाइस, तो बारिश आने का वेट करते हैं। और अभी हम लोग घर के पास बच रहे हैं, अभी गाइस हम लोग उस घर के पास बच रहे थे, तो वहाँ महिला बोल रही थी कि वो टीवी ख़राब है जो हम लोग साथ में लेकर आए हैं, तो उनको भी पता चल गया कि हम लोग एक्सपेरिमेंट वीडियो शूट करने के लिए आए हैं, तो बोली कि पहाड़ के ऊपर चढ़ जाइए और वहाँ से फेंक दीजिए, टीवी मुक्ति मांग रहा है। तो उनको ये नहीं पता कि हम लोग वही करने आए हैं, तो हमने चैनल भी का नाम भी हम लोग उसको बता दिए गाइस, आप देख लेंगे सूरज का चैनल बता दें अपना चैनल भी। और अभी तक देखिए बारिश नहीं रुका, तो हम लोग को थोड़ा खराब लगने लगा, तो लोग वहाँ से भाग गए। अभी हम लोग पेड़ के नीचे पानी से बच रहे हैं, फिर थोड़ा बहुत पानी आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है, और पहाड़ भी स्लिपर हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं फिर भी हम जाने वाले हैं। तो फाइनली गाइस बारिश बंद हो चुका है, हल्का हल्का लेकिन पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना भी वीडियो हमारा शूट हो जाएगा। तो गाइस अभी तक आपको हमने बताया नहीं कि एक्सपेरिमेंट हमारा क्या होने वाला है, तो एक्सपेरिमेंट जो होने वाला है गाइस वो टीवी को हम लोग पहाड़ के ऊपर से गिराने वाले हैं और देखने वाले हैं कि उसके साथ होता क्या है एक्चुअली, क्योंकि इस तरह का वीडियो जनरली यूट्यूब में देखने को नहीं मिलता है। पूरा इधर कीचड़ कीचड़ हो गया है गाइस पानी गिरने से। तब गाइस अभी थोड़ा सा प्लान में चेंजिंग आ गया, क्योंकि बारिश की वजह से पहाड़ में फिसलन हो गया होगा, इस वजह से हम लोग थोड़ा चेंज किए और यहाँ से थोड़ा आगे जाने वाले हैं, और इससे भी ऊँचा जगह मिलता है तो हम लोग वहाँ से टीवी को फेंकने वाले हैं। फाइनली गाइस अपने को लोकेशन मिल गया है यहाँ पे, उतना घूम के आना पड़ा हम लोग को वैसे,
तो अभी सूरज और रुपेंद्र लेके जाएगा टीवी को वहाँ पे और हम नीचे से शूट करने वाले हैं क्योंकि हमारा ऊपर जाने का प्लान नहीं है। तो चलो जल्दी से टीवी उठाओ चलो। तो टीवी का वजन गाइस कम से कम 5-6 किलो का है, तो इसे लाने में काफ़ी दिक्कत हुआ यहाँ पे। अच्छा वहाँ पे कैसे जाएगा हमको? मेरे ख्याल से ना यहाँ भी काफ़ी ऊँचा है, यहाँ से फेंक दो। तो अभी तो गाइस हम जा रहे हैं थोड़ा सा नीचे पहाड़ के डाउन में। आप देख सकते इधर पानी वगैरह पूरा भरा हुआ है, देख सकते गाइस इधर पहाड़ का कुछ ऐसा नज़ारा है। इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है, बीच में कुछ इस तरह का नदी बहते हुआ है अंदर से। तो अभी हम तो काफ़ी डीपली आ चुके हैं और वहाँ से फेंकना है। तो अभी तो गाइस हम ऊपर में थे अभी जहाँ सूरज है, और अभी हम नीचे आ गए हैं गाइस। और यहाँ का आप लोकेशन देख सकते हैं, इधर से शायद नदी बहते हुए आया है और पहाड़ को चीरते हुए, तो इधर से कुछ इस तरह का रास्ता वगैरह बना हुआ है। तो अभी हम गाइस यहाँ पर आ चुके हैं और हम उधर से आए और सूरज वहाँ पर है। गाइस वहाँ से वो टीवी फेंकने वाला है नीचे, उसके बाद वो टीवी क्या होगा उसका हस वो भी आपको हम दिखलाएंगे इसी वीडियो में। तो आप सूरज को बोलते हैं वहाँ से फेंकने के लिए। तो रेडी सूरज? उपेंद्र रेडी? उपेंद्र अरे कहाँ गया उपेंद्र यार, उसी को फेंक दिया तुम का लगता है गाइस, उसी को फेंक दिया, मजाक कर रहे हैं। अरे भाई पत्थर वगैरह न फेंको, लग जाएगा हमको। देखो गाइस वहाँ से फेंकने वाला है, काफी भयानक मंजर होने वाला है। तो आप देख सकते हैं गाइस टीवी का हाल कुछ इस तरह का हो चुका है, सारा पुर्जा इसका इधर उधर फेंका गया और करीबन ये कम से कम 100 फीट होगा गाइस, 100 फीट की ऊंचाई से फेंका गया इस टीवी को। तो आप टीवी का हाल देख सकते हैं गाइस कुछ इस तरह का हो चुका है, पूरा इसका पुर्जा टूट के इधर उधर फेंका गया, कुछ हिस्सा यहाँ पर चला गया, आप देख सकते हैं वहाँ पर है। और ये टीवी का कुछ ऐसा हाल हो गया गाइस पूरा। तो अभी गाइस आपने देखा टीवी किस तरह से ऊपर से गिरा और इसका हाल क्या हो चुका है, आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, इसका हर एक पार्ट पूरा खुल के इधर उधर हो चुका है, आप देख सकते हैं सारा। तो ये तो रहा गाइस एक कमाल का एक्सपेरिमेंट, इसी तरह का एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिलते रहता है हमारे YouTube चैनल पर और मेरे दोस्त के YouTube चैनल पर। तो उस दोस्त का YouTube चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हो। तो आप देख सकते हैं गैस जो LED मतलब कि ऊपर से जो टीवी गिरा था इसका स्क्रीन टूटा नहीं था पूरा तरह से। तो अभी फिर से इसे पटक करके हम लोग तोड़ दें क्योंकि इसे ले जाना तो वापस नहीं है घर का। हाल देख सकते हैं गैस पूरा बेहाल हो गया है, हर एक पार्ट किसी काम का रहा नहीं। इसको हम लोग ले चलते हैं, काम आएगा ना, इसको कबाड़ में बेच देंगे हम लोग, ले चलो इसको। तो अब तो गैस हमारा एक्सपेरिमेंट वीडियो पूरा तरह से सफलतापूर्वक कम्प्लीट हो चुका है और अब हम चले घर की ओर क्योंकि काफी देर तक इधर रुक चुके हम लोग, अब शाम के 5 बजने को आए हैं। अब चले गाइस घर की ओर। तो हे गाइस आज का ब्लॉग ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, तो अभी जस्ट खाना वगैरह खा के और वीडियो एडिटिंग करके मैं फ्री हुआ हूँ और समय हो गया है रात का 1 बज गया है। तो फिलहाल गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप गाइस आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं गाइस जल्द ही नए कमाल के ब्लॉग वीडियो के साथ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। वहाँ से हम लोग करते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से किए क्योंकि वहाँ चढ़ना मुश्किल था। क्या उपेंद्र वहाँ चढ़ पाता तुम? नहीं ना, बड़ा मुश्किल है ना चढ़ना, बहुत डेंजर है दोस्त, बहुत डेंजर है। देखिए खड़ा चढ़ा है गाइस, खड़ा